वहीं राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कल भाषण दिया है, उस भाषण को देश के लोग पूरे ध्यान से सुन रहे थे। उस भाषण में राहुल गांधी ने बहुत धारदार तरीके से अपनी बात रखी है। इसके आगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष को चुन चुन कर शब्द बाण दे रहे थे, वहीं जिसके चलते पीएम मोदी और गृह मंत्री बार बार उठना पड़ा। राहुल गांधी ने बीजेपी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप हिंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि जो सत्य है और जो सत्य के मार्ग में चलेगा, वो हिंसा और डराने का काम नहीं कर सकता। जैसे कि कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, सबकी नजरें उधर लगी हुई थी, पूरे देश की मीडिया बहुत ध्यान से उसे सुन रही थी और देश क्या पूरी दुनिया के लोग इसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और उनका जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता प्रस्ताव आया था, उस पर उन्होंने भाषण दिया। बहुत लंबे समय के बाद विपक्ष के नेता के हैसियत से बहुत ही धारदार भाषण उन्होंने दी और आप सब ने देखा कैसे चुन चुन के शब्द बाण राहुल जी के मुख से निकल रहे थे और सीधा सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं के मर्म स्थल को वो बींध रहे थे। प्रधानमंत्री को दो बार खड़ा होना पड़ा, गृह मंत्री को दो बार खड़ा होना पड़ा, रक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़ा, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा और सभी विषयों पे उन्होंने बात रखी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों को के हृदय में मर्म में जो चोट पहुंची, वो इस बात पे कि हमारे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म ये सिखाता है कि डरो मत डराओ मत। उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई, इस्लाम में जो कहा गया उसके बारे में और क्रिश्चियनिटी में जो बातें कही गई उसके बारे में बात कही और एक एक उदाहरण दे के उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आप जो लोगों को डरा रहे हैं पिछले 10 साल से, भय का वातावरण है, विपक्ष के नेताओं को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को जिस प्रकार से आप डरा रहे हैं, वो हमारे भारतीय सभ्यता में इसका कोई स्थान नहीं है।